प्रभु दर्श के बगैर जीवन में शांति कहाँ मिलेगी। जब जाए तो वैसे दर्शन करें ठाकुर जी के नयन से अपने नयन मिलाएं, तभी तो दर्शन में चार चांद लगेंगे। परीक्षित शांत हो गया, भगवान की दर्शन करके चुप पड़ा, इसीलिए इसका नाम परीक्षित हो गया। 6 दिन तक ढूंढ रहा था, जिसने गर्भ पे रखवाली किया वो चक्र वाला सांवरा नहीं दिख रहा है, उसके दर्शन के लिए रो रहा था। बालक भगवान के दर्शन के लिए रोता है और हम लोग धन कमाने के लिए रोते हैं, यही अंतर है सामान्य प्राणी। उस बालक का नाम परीक्षित पड़ गया, हर जीव में भगवान की परीक्षा लिया, नाम पड़ गया परीक्षित। विष्णु भगवान ने इनकी रक्षा किया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया विष्णु राज। गर्भ के अंदर भगवान का दर्शन किया, गर्भ के बाहर भगवान का दर्शन किया, है भाग्य वाला है भागवत। जैसे भाग्य वाले भागवत कराते हैं, न धन वाला कराता है न परिवार वाला, न पद वाला करवाता है न बल वाला, भागवत वही कराता है जिस पर कृपा हो जाता है मुरली वाले का। तो इनकी कृपा के बगैर व्यक्ति कुछ भी नहीं करा सकता। परीक्षित का जन्म हो गया। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, अरे भगवान तो पांडवों को हर विषम परिस्थिति में सहायता करते हैं जी। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कराया, कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह बना दिया था, वो तो विदुर ने लाक्षागृह के अंदर से सुरंग बनाया था जिससे पांचों पांडव जीवित बच गए, और मैं दानव के दिए हुए संपत्ति से संयमनीपुरी से भी सुंदर, इंद्र की अमरावती पुरी से भी सुंदर एक नया नगर बनाए थे। उस नगर का नाम पड़ा था इंद्रप्रस्थ, और उस इंद्रप्रस्थ में जब धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ करवाया तो सभी को निमंत्रण भेजे थे। भगवान श्री कृष्ण से पूछ पूछ कर कार्य को करते थे। उस यज्ञ में कौरव भी 100 भाई दुर्योधन के संग आए, लेकिन ऐसे रास्ता को बना दिया था मैं दानव, ऐसे रास्ता बना दिया था जहां सूखा स्थान रहता था वो पानी भरा हुआ सरोवर के समान लगता था, और जहां पर पानी भरा हुआ सरोवर रहे वो सूखे मैदान के समान लगता था। अच्छा सजावट किए थे, नगरी का यज्ञ का आयोजन किए थे। तो दुर्योधन अपने भाई के संग चलता था, और जहां सूखा मैदान रहे वहां पर धोती सकेल के चलता था, कपड़ा भीग मच जाए, वैसे मना दिए थे। और जहां पानी भरा था उसे मैदान समझकर धड़ाम धड़ाम गिर गए। द्रौपदी ऊपर अटारी से देख रही थी, अंधे के बच्चे हैं ना, अंधे ही होते हैं, घोर अपमान हो गया। दुर्योधन ने उसी समय प्रण कर दिया, उपद्रव रास्ता बनाए हो, सूखे में पानी और पानी में मैदान दिख, लोगों को मारोगे और हमको अंधे बोलते हो, अब अंधे की आंख दिखाई नहीं देती तो भरी सभा में द्रौपदी हम तुम्हारे कपड़ा उतरवाएंगे। महाभारत युद्ध कभी बिना मतलब किसी को हंसना नहीं चाहिए, लड़ाई की जड़ हंसी और बुखार की जड़ खांसी। बिना मतलब को हंस दोगे तो लड़ाई हो जाती है, अब यही हंसी महाभारत युद्ध की जड़ हो गई। जब 100 भाई कौरव आए यज्ञ में सम्मिलित थे, तो धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, दुर्योधन आया है तो यज्ञ में कौन से काम को दे दूं? भगवान ने बोला यज्ञ में खर्चा कराने पैसा को उसी को पकड़ा दो। धर्मराज ने बोला क्या कहते हैं, दुश्मन है हमारा, ज्यादा नुकसान करवा दे। तो भगवान ने कहा यज्ञ तो खर्चा करने के लिए करते हैं, यदि पैसा नहीं तो यज्ञ मत करो, और है तो खूब खर्चा करो,
इससे बढ़कर एफडी नहीं है, कहीं दूसरे जगह फिक्स डिपॉजिट करोगे ना तो कभी न कभी नष्ट हो सकता है। लेकिन भगवान के यज्ञ में एफडी करा दोगे तो जिस समय आपका समय खराब होगा तो कई गुना ज्यादा होकर के मिलता है। जो अचानक अचानक धन प्राप्त करते हैं तो पहले जन्म में अच्छे दान दक्षिणा दिए थे, उसी का पुण्य बढ़ता। दुर्योधन कोषाध्यक्ष बना था और कोई आदमी 5 रुपए मांगता था तो दुर्योधन 100 रुपए दे देता था और बोलता था वापस मत लाना, बहुत पैसा है, नंबर 2 कमाया है, ज्यादा संपत्ति हो जाती है ना। तो आप कितना भी ईमानदारी से धन कमाओ, लोग यही बोलते हैं नंबर 2 का हुआ होगा, नंबर 1 में कहां आगे बढ़ पाएगा। लेकिन कृपा के बगैर आगे नहीं बढ़ता है। दुर्योधन जितना संपत्ति लुटाता था उतने और 4 चांद लग जाते थे। यज्ञ कराओ तो इससे सीख लेना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछ कर विभाग को दिया, भोजन के देख रेख को कौन करेगा, तो भगवान ने बताया भीम को लगा दो, अकेले 10 जने का खाता है, यदि 40 लोग कथा सुनने आएंगे तो 400 का खाना बनवा देगा। अब ज्यादा खाना बनवाए रहेगा तो सबको जबरदस्ती खिलवाना पड़ेगा, कम खाना रहेगा तो एक आध बार बोलता है भोजन ग्रहण कर लो, और वो बोलता है लो ना एक आध दिन, ठीक है तो एक आध दिन ले ले, और ज्यादा रहेगा तो खिलाना ही पड़ता है। तो वैसे को इसमें लगाया जाए, और आने जाने वाले को बैठाने के लिए किसको लगाया जाए, नकुल सहदेव को लगा दो, बहुत शांत है। कई प्रकार के लोग आते हैं, कई लोग बोलते हैं यार टेंट को ऐसे लगा देता, गेट को ऐसे बना देता, शांत आदमी है तो चुपचाप सुनेगा, और गुस्सा है तो इतने में हम लोगों का हालत खराब हो गया और तमाशा करता, ये करो वो करो। तो स्वागत में शांत को लगाना चाहिए, नकुल और सहदेव को स्वागत करने के लिए लगा दिए थे, कोई आए तो उठे बैठाने के लिए, सबको काम का बंटवारा दे दिया गया, सब अपने अपने काम ले लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब हमारे लायक कोई काम है। धर्मराज ने कहा सब तो बांटित दिए प्रभु, अब आपको कौन सा काम दे। भगवान ने कहा जितने साधु संत आएंगे कथा सुनने के लिए देवी देवता आएंगे, और जो भोजन ग्रहण करेंगे तो उसके पत्तल को कौन उठाएगा। अब धर्मराज बोले इसी का तो इंतजाम नहीं हुआ, पहले जूठा उठाने के लिए कोई तैयार नहीं होते, कौन इसके जूठा को उठाए। भगवान ने कहा ये काम को हम ही दे दो। तो धर्मराज ने कहा धन्य है प्रभु, आप हमारे यहां पत्तल उठाने को तैयार। भगवान ने कहा यज्ञ में तो यही सबसे बड़ा काम है, इससे बड़ा काम कुछ भी नहीं। तो भगवान उस यज्ञ में जूठे पत्तल उठाए, भाव के कारण ऐसे दयालु है भगवान। तो यज्ञ में सबसे बड़ा काम है जूठा पत्थल उठाना, किसी को यदि भोजन ग्रहण करवाए तो जूठा नहीं धुलवाना चाहिए। यहां देवी देवता के रूप में आते हैं, कथा सुनने आते हैं। जब राजसु यज्ञ पूर्ण हुआ उस यज्ञ के बाद दुर्योधन वापस आया तो शकुनी जो लंगड़ा लंगड़ा के चलता था दुर्योधन से बोला भांजा आनंद आया यज्ञ में। दुर्योधन ने कहा इतनी संपत्ति कमा लिया है पांडव कि समझ में नहीं आया मामा, वो उपद्रव रास्ता को बना दिए, वो सूखे रास्ते में गिर के मर जा रहे थे, वो खा का आनंद आएगा, मामा मैं परेशान हो गया, अब ऐसे उपाय करिए जिसमें कंगाल हो जाए। शकुनी बोला चिंता क्यों करता है, बल से नहीं जीतेंगे तो छल से तो जीत ही चलेंगे, मेरे पास नाना का हड्डी और उससे बनाया हुआ पासा, धर्मराज नंबर 1 का जुवारी, जुआ खेलने के लिए बुलवाते हैं और फिर देख मेरे तमाशा, जुवारी पता बस चल जाए यहां जुआ हो रहा है तो सब काम छोड़ के चला जाएगा। तो दुर्योधन ने जुआ खेलने के लिए धर्मराज को बुलवा दिया, धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलने को आए और ये जादू वाला पासा न शकुनी फेंक फेंक करके
पूरे संपत्ति को जीत लिया, कुछ नहीं बचा। तो शकुनी बोला भांजे चिंता मत करो, अरे भीम को रख दो, जीत जाओगे तो पूरे संपत्ति वापस। भीम को हार गया, नकुल को रख दो, सहदेव को रख दो, अर्जुन को रख दो, अपने आप को रख दो, आखिरी में कुछ नहीं बचा तो अभी एक है रत्न, उस द्रौपदी को रख दो। जीत जाओगे तो सारी संपत्ति, पांचों पांडव मुक्त। अब हार गए तो फिर भगवान जाने। जुवारी ऐसे भी होते हैं, अपने पत्नी तक को रख दिया जुआ में जी, भगवान बुद्धि को हर लेते हैं। जुआ स्थान में भगवान नहीं जाते, चार जगह भगवान नहीं जाते, इसलिए उस जगह पर दूर ही रहना चाहिए। जुआ स्थान में, शराब खाना में, जहां पर मांस बिकती है उस जगह, और वेश्याला, ये चार जगह भगवान रहते ही नहीं, जाना ही नहीं चाहते। तो वहां भगवान सहायता करने के लिए नहीं गए, तो जुआ में द्रौपदी को हार दिया। दुर्योधन आनंद मनाया, अब आनंद मनाया क्या, भागवत कराएगा, कथा करवाएगा, बस पीने के लिए ड्राम ड्राम ब्रांडेड वाला इंतजाम हो गया, खाने का बढ़िया इंतजाम हो गया। और फिर अपने भरी सभा में सभी लोगों के बीच बोला, द्रौपदी पांच पति की पत्नी मर्यादा वाली, हमको बोली थी अंधे के बेटे अंधे होते हैं, आज बताते हैं उसे भरी सभा में, कपड़ा उतरवाते खाने के लिए, मांस पीने के लिए शराब, लेकिन नाचने के लिए परी न हो, ये सब बेकार, द्रौपदी को लाओ और नचवाओ, इसकी बुद्धि को देखो। दासी को बोलो जाओ, उसे भरी सभा में बोलवाओ। द्रौपदी उत्तरी वस्त्र धारण की थी, रिते स्नान की थी, बिखरे हुए बाल थे बेचारी के। द्रौपदी दास से बोली, मैं नहीं जा सकती हूं, मैं भी तो आखिर स्कूल की बधू हूं, नहीं जा सकती। दास वापस आ गया, दुर्योधन गुस्साया, दुशासन को बोला बाल पकड़ कर लाओ मर्यादा वाली के। दुशासन गया, गरजते हुए बोला, अरे बहुत मर्यादा वाली बनी हो, बाल को पकड़ कर खींचते हुए लाया। ये नारियों का जो बाल होता है ना, इस बाल को बाल मत समझना, ये बाल पकड़ने वाले का काल ही होता है। कंस ने देवकी का बाल पकड़ा तो कंस का नाश हुआ, रावण ने सीता का बाल पकड़ा तो रावण का सर्वनाश हुआ, दुशासन ने द्रौपदी का बाल पकड़ा तो द्रौपदी के कारण कौरवों का सर्वनाश हुआ। तो जो सुहागन नारी रहती है ना, विवाह होने के बाद नारियों को बाल नहीं कटाना चाहिए। यदि सुहागन नारी बाल कटाती है तो उसकी पति का उम्र कम हो जाता है। पहले बोलते थे, अब तो ब्यूटी पार्लर थोड़े एडजस्ट कराना पड़ ही जाता है, तो बाल नहीं कटाना चाहिए नारियों को। लंबे बाल पुरुषों के लिए जरूरी नहीं और छोटे बाल नारियों के लिए जरूरी नहीं, लेकिन कलयुग में बताया गया है, कलयुग का आखिरी चरण आएगा ना, तो जितने पुरुष रहेंगे वो माताओं की तरह लंबे लंबे बाल वाले होंगे, एक दूसरे का अनुकरण करेंगे, और जितनी माताएं रहेंगी ना, ये सब पुरुषों की तरह छोटे छोटे बाल वाली हो जाएंगे। कलयुग का प्रताप है, प्रभाव है। ये द्रौपदी के बाल को पकड़कर भरी सभा में लाया। द्रौपदी अपने इज्जत की रक्षा के लिए पांचों पांडवों की ओर देखी, सब नीचे सिर कर लिए थे, जिनके पांच पांच पति, आज उस नारी के इज्जत पर आज, अब क्या समझो इस समाज को, कौन रहता है आपके साथ। जहां पर भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे धर्मात्मा नीचे सिर करके बैठ गए, एक नारी अबला असहाय चिल्लाई, रक्षा करो रक्षा करो, कोई बचाने तुम नहीं आए। दुशासन पकड़ लिया वस्त्र को और खींचने लगा, जब देखी दुनिया हंसी, उड़ाने वाले हैं आंसू पोछने वाले नहीं, सिर पर रुनाने वाले हैं।
तब द्रौपदी ने द्वारका वाले राखी के भैया को याद किया। अरे वो कन्हैया लाज बचा लू भैया। भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव धाए, जो स्वयं कपड़ा चुराने वाले कपड़ा चोर हैं, आज कपड़ा बढ़ाने के लिए आए। यही तो समय समय की बात है, कोई समय में दिन बड़ा तो कोई समय में रात है। राम जन्म का दिन बड़ा तो कृष्ण जन्म का रात है। कपड़ा चुराने वाले कपड़ा बढ़ाने के लिए आए, यही तो प्रभु की करामात है, ये तो प्रभु की करामात है। आकाश मंडल पर विराजे भगवान ने कपड़ा का फैक्ट्री खोल दिया, इतना कपड़ा बढ़ाए कि दुशासन थक गया। 10,000 गज बल घटे, घटे न गज भर चीर, जग बैरी क्या करे जाके सहाय यदुवीर। जिनके सहायता साक्षात भगवान करे, वो दुनिया के बैरी उसका क्या मिटा सकता है। तब द्रौपदी भगवान को याद की और भगवान कपड़ा बरसाए। चले भजन करें, हम भगवान को प्रणाम करें, वंदन करें। जपा कर महामंत्र है ये, जपा कर महामंत्र है ये। हरि ओम तत्सत, 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 हरि ओम तत्सत। जपा कर महामंत्र है ये, जपा कर महामंत्र है ये, हरि ओम तत्सत, 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 हरि ओम तत्सत। हरि सभा में द्रौपदी रो रही थी, हरि सभा में द्रौपदी रो रही थी, रो रो कर अश्रुओं से मुख धो रही, रो रो कर यशवन से मुख धो रही थी, रो रो कर यशवन से मुख धो रही, रो रो कर यशवन से मुख धो रही थी। यही मंत्र पुकारा था उसने सर से, यही मंत्र पुकारा था मन से, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जपा कर महामंत्र है, जपा कर महामंत्र है, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। लंका में हलचल मची थी, लगी आग लंका में हलचल मची थी, कुटिया विभीषण की कैसे बची थी, कुटिया विभीषण की कैसे बची थी। यही मंत्र लिखा था कुटिया में उनके, यही मंत्र लिखा था कुटिया में उनके, हरि ओम तत्सत, हरि ओम, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।
हरि ओम सत सत हरि ओम सत सत जपा कर महामंत्र है ये जय हो हरि ओम सत सत 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 हरि हरि ओम सत सत हरि ओम सत सत हरि ओम सत सत हरि ओम तत् सत अहो वयम् धन्यतमं नृपाणं महत्तमानुग्रहणेशिला राज्ञं कुलं ब्राह्मणपारसाना दुराद्य विशिष्टम् बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण वस्त्र का अवतार ले लिए, भगवान ने वस्त्र का रूप बनना है। एक बार भगवान श्री कृष्ण जब राजसु यज्ञ में थे तो राजसु यज्ञ में शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को 100 गालियां दी। भगवान श्री कृष्ण अपने चक्र चलाए तो उस चक्र के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई। अरे रोज चक्र चलाने वाले हैं, ये तो लीला करने के लिए अपने उंगली को काट दिए, नहीं तो चक्र चलाने से इनकी उंगली कटती क्या? उंगली कट गई, उस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी। सब नई नई साड़ियां पहनकर आई थी, यज्ञ में आई थी। भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई तो सभी जितनी भी रानियां थीं सब सिर पर चिल्ला रही थी, भगवान की उंगली कट गई, अपने पास पुराना कपड़ा निनित पट्टी लगा देती। लेकिन द्रौपदी को पता चला तो नई साड़ी को फाड़ दी। अरे इनसे साड़ी है, साड़ी से ये नहीं। और अपने नई साड़ी को फाड़ कर पट्टी लगा दी। 16,108 रानियां देख रही थी, बहुत ही तैसी बनी है, किसी दूसरे के पति का पट्टी कोई दूसरे नारी कर दे तो थोड़े जल जाती है, अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन छोटे से उस वस्त्र के टुकड़ा को लेकर भगवान ने उसी समय लौटाने का समय ढूंढ रहे थे कि कब मौका मिले तो इस छोटे से वस्त्र का पहाड़ बना के लौटाऊं। भगवान को एक वस्त्र चढ़ाओगे ना तो भगवान आपके परिवार के लिए कई वस्त्र प्रदान करते हैं। भगवान इतना साड़ी बढ़ाए 10,000 गज बल वाला दुशासन हार कर साड़ियों के ढेर पर गिर गया। समझ नहीं आया सारी बीच नारी है कि नारी बीत सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। समझ नहीं पाए कि साड़ी के बीच में नारी खड़ी है या नारियों के बीच में साड़ी पड़ा है, या साड़ी नारी बनाने की फैक्ट्री है या नारी साड़ी से बनी हुई है। थक हार गया दुशासन, तब दुर्योधन पांचों पांडवों से बोला, देखो आपकी पत्नी अर्थात हमारी ही मर्यादा है, अब हम लोग कपड़ा खींचने वाले नहीं हैं, हम भी इज्जत को समझते हैं। थक हार गया तब सहायता कर रहा है तो हम अब इसके कपड़ा को नहीं उतारेंगे। एक बात है पांडव, यदि आप लोग अपने हारे हुए संपत्ति को चाहते हो, हस्तिनापुर की आधी राज्य चाहते हो तो अपने पत्नी के संग 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिटा करके आओ, बढ़िया से बीत जाएगा तो मैं आधी राज्य को वापस लौटा दूंगा और 1 साल के अज्ञातवास में किसी को पता चल गया यहाँ पर पांडव हैं
तो 12 साल के लिए फिर वनवास को चले जाना। पांचों पांडव द्रौपदी के संग 13 साल का वनवास करने को चले गए। बहुत दुख पाए, लेकिन भगवान का आशीर्वाद संग में रहे तो दुख के पास बाद ही सुख आता है। पहले दुख, उसके बाद सुख, ये नियम है दुनिया का। आज रात है तो कर कल दिन होगा, मत हो जागा ये धीर। कितनों भी विपत्ति आए, कभी मत भूल यदुवीर। उसे याद रखना, 13 साल का वनवास बिताने के बाद पांचों पांडव वापस आए तो 13 साल में सब भूल गए थे, कोई पांडव को याद नहीं कर रहे। भगवान श्री कृष्ण अकेले फूल की माला लेकर खड़े थे स्वागत करने के लिए, अगवानी करने के लिए। धर्मराज युधिष्ठिर के नेत्र पर आंसू भर आया, अकेले संग देने के लिए परमात्मा खड़े। धीरज धर मा मित्र अरु नारी, धीरज धर मा मित्र अरु नारी, आपत काल पर किए चारी, आपत काल पर किए चारी। कौन कितना धैर्य धारण करने वाला है विपत्ति में ही पता चलता है, कौन कितना धर्मात्मा है विपत्ति पर ही पता चलता है, और किसकी नारी कितना सहयोग करने वाली है विपत्ति में ही पता चलता है, और कौन किसका सच्चा सखा है मित्र है विपत्ति में ही पता चलता है। सबने संग छोड़ दिया, भगवान संग देने को आए हैं। धर्मराज ने कहा, प्रभु आपने हमारा मान बढ़ाया है। भगवान ने कहा, चलिए ठीक है, अब आपके अच्छे समय आने का समय आ गया। दुर्योधन ने वचन दिया है, अधिराज्य को दूंगा, तो मैं दूत बनकर जाता हूं और दुर्योधन को अपने प्रण को याद दिलाता हूं। धर्मराज ने कहा, प्रभु हम आपको दूत नहीं बना सकते, लेकिन आपके हमारे ऊपर बड़ी कृपा परमात्मा, आप दूत बनने को तैयार है तो हम मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि और कोई हमारा साथी नहीं है जो हमारी सहायता करे। तब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर कौरवों के शिविर पर गए। दुर्योधन ने देखा, मेरे गुरुदेव का भाई आ रहा है, कृष्ण आ रहा है। आसन से उठ गया, भगवान को प्रणाम किया और निवेदन किया, प्रभु आसन पर विराजिए ना। भगवान ने कहा, दुर्योधन मैं अभी राजा बनकर नहीं आया हूं, मैं एक राजा का दूत बनकर आया हूं, इसलिए बैठ नहीं सकता। दुर्योधन ने कहा, क्या मजाक करते हो, और आप दूत बनेंगे क्या? भगवान ने कहा, हाँ दूत बनकर आया हूं, पांडवों का दूत बनकर आया हूं। इतने में दुर्योधन का चेहरा खुमला गया। भगवान ने कहा, दुर्योधन तू वचन दिया था ना, 13 वर्ष का वनवास बिता कर आओगे तो आधी राज्य लौटा दूंगा, बस वही याद दिलाने आया हूं। दुर्योधन ने कहा, इसीलिए तो आप मुझे फूटी आंख में नहीं पाते हो, जैसे आपका रंग काला है ना कन्हैया, वैसे आपका दिल भी काला है, जब देखो तब पांडवों के पक्ष में ही बात करते। भगवान ने कहा, ना मैं पक्ष में रहता हूं ना विपक्ष में रहता हूं, मैं तो धर्म की ही सहायता करता हूं, यदा यदा ही धर्मस्य, मैं तो सिर्फ धर्म की सहायता करने के लिए आता हूं। दुर्योधन ने कहा, प्रभु यदि आप दूत बनकर नहीं आए होते तो मैं आपको बता देता मैं कौन हूं। भगवान ने मन ही मन कहा, और यदि मैं दूत बनकर नहीं आता तो मैं भी बता देता मैं कौन। सब तो अपने अपने स्वाभिमान है, कुछ तो है। भगवान ने कहा, गुस्सा को छोड़ो दुर्योधन, फूको, क्रोध दूसरे को थोड़ी जलाता है, क्रोध करने वाले को ही जला देता है, फूक दो इस गुस्सा को। अब ऐसे करो दुर्योधन, आधी राज्य नहीं देते,
तो 5 गांव ही दे दो। दुर्योधन ने कहा बिना युद्ध के सुई की नोक में जितनी जमीन आती है उतना नहीं दे सकता, क्या समझते हो कन्हैया? और यदि आप दूत नहीं बने होते कन्हैया तो आपको कारागार में डाल देता। भगवान ने कहा 100 भाई वाले हो, लंबे परिवार वाले हो और आपके पास सेना भी है और हम अकेले बांसुरी लेकर आए हैं, आपके क्या बिगाड़ सकते हैं? दुर्योधन ने सैनिकों को बोला पकड़ लो इस काले को और